हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एमके टेक्निकल। और एमके टेक्निकल में आपको हम ये 50 वाट का एलईडी बल्ब ड्राइवर में बना करके दिखाने वाले हैं। तो पहले ड्राइवर दिखाइए जो बॉडी के अंदर लगा हुआ है। ये बॉडी के अंदर ड्राइवर और इतनी सुरक्षा में है कि वो प्लास्टिक के बॉक्स में दिया गया है, जिससे हमारा ड्राइवर सेफ रहे, शॉर्ट सर्किट कुछ ना रहे बहुत अच्छे तरीके से। और एल्युमिनियम की बॉडी है, बहुत ही हैवी और फर्स्ट क्लास। और इसकी टिक्की दिखाइए आप, ये देखो इसकी टिक्की भी काफी हैवी टिक्की है। इसकी 50 वाट में बहुत हैवी टिक्की है। एमसीपीसी भी दिखाओ, ये एमसीपीसी भी है। ये डिफ्यूजर है नीचे जो रखा हुआ। तो बनाना स्टार्ट करिए। इसमें हम ये B22 लगाने वाले हैं। फिर आपको हम ये जलाकर भी दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज्यादा से ज्यादा करें, दोस्तों पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्योंकि मेरा जो ये पहला चैनल था हाशिम टेक्निकल के नाम से, वो यूट्यूब वाले ने क्या करा समझ में नहीं आया कि वो डिसेबल हो गया। अब वो वापस आएगा नहीं आएगा ये तो बात की बात है, तो इसलिए ये दूसरा चैनल शुरू कर दिया। दोस्तों इसी तरह का प्यार आप लोगों का इस पे भी बना रहा है, उम्मीद करूंगा मैं। ज्यादा से ज्यादा प्यार देना इस चैनल को भी, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करें। कोई भी सुझाव आपका कमेंट करो या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। मैं फेंकता नहीं, मैं बात करता हूं सबसे। जैसे खैर किसी के लिए गलत क्या कहूं मैं। बहरहाल कुल मिला के मेरा ये हिसाब है कि मैं बोलता हूं तो करता भी हूं। आप कॉल करिए, मैं बात भी करूंगा। आपकी जो भी कुछ परेशानी है या कोई सवाल है पूरा हल होगा संतुष्टि के साथ। तो कार्य शुरू करते हैं। आप ये पंचिंग करिए, ये एलईडी बल्ब की अब पंचिंग हो रही है। ये हो चुकी है, दिखाइए एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से पंचिंग इसकी हो गई है, बहुत ही फर्स्ट क्लास तरीके से। चलो आगे बढ़ो। अभी इसकी टिक्की लगाने वाले हैं। ये हमारी टिक्की इस पे लग चुकी है दोस्तों। और अब हम इसमें लगाने वाले हैं, क्या लगाने वाले? 50 वाट की एमसीपीसी। 50 वाट की एमसीपीसी भी। ये 50 वाट की एमसीपीसी भी है, लगाइए इसे। और लगाइए निकाल के। अपने बेस्ट तरीके से लगाओ इस पे, जो कि हमारी एलईडी बल्ब को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से हमारी ये देखिए एलईडी बल्ब लग गई है। अब इसमें ये हमारे पेच खींचेंगे। ढाई पे सीधे रख के पेच खींचे करो।
टेढ़ करने की क्या जरूरत है। ये दोस्तों हमारे पेज खिंच चुके हैं, अब इसके हम कनेक्शन करेंगे। इसके हम कनेक्शन करके आपको दिखा रहे हैं। एक इसके कनेक्शन होंगे दोस्तों एलईडी के नेगेटिव पॉइंट पे, क्योंकि ये थोड़ी खाली जगह जो है ये इसलिए है, इसमें अगर और एलईडी लगा दी जाएंगी तो ये 60 वाट की बन जाएगी। अगर चाहो तो 60 वाट की भी इसे बना सकते हो, नहीं तो 50 वाट की में ये एलईडी छोड़नी पड़ती है। कनेक्शन चेक करो, उससे टच तो नहीं हो रहा। सही है, चलो एक बार वैसे टेस्ट करो इसे। सीरीज पे ये देखो जवाब नहीं दोस्तों, एलईडी की रोशनी का बहुत जबरदस्त रोशनी है। डिफ्यूजर लगा के आप चेक करो इसे और देखो साइड में ये हाथ हटाना, ये साइड में सारी एलईडी ग्लो करती हुई अलग दिख रही है। जवाब नहीं इसकी रोशनी का, बहुत गजब की इसकी रोशनी है। डिफ्यूजर लगाइए और डिफ्यूजर लगा के फिर हम आपको चेक कराते हैं बड़े वाले बोर्ड पर। डिफ्यूजर लगाइए इसका, सही से लगाओ तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं है। लग गया ना? हाँ, नीचे से पकड़ के एकदम एलईडी को दिखाइए सही से। ये देखिए 50 वाट ये एकदम रेडी हमारा हो गया है, और अब हम इसे बड़े बोर्ड पर इसे जलाकर दिखाने वाले हैं। ये एलईडी निकालिए इसमें से, अब इसे हम लगाकर दिखाने वाले हैं। दोस्तों आप पहले ये देख लीजिए कि हमारी रोशनी देखिए, कहीं भी दीवारों पे कोई खास रोशनी नहीं है, और अब ये रोशनी देने वाला है एलईडी बल्ब। लगाइए, ये देखिए रोशनी इसकी सारे में एकदम वाइट वाइट रोशनी फैल गई है, और ये साइड से भी हम आपको दिखाएंगे, बहुत ही गजब की ये रोशनी दे रहा है। तो दोस्तों जिस किसी को भी चाहिए, और एक चीज और मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, एलईडी बल्ब ये हाई वाट में बॉडी लेके इतना फायदा नहीं है खरीदने में, जितना कंप्लीट खरीदने में फायदा। बाकी आपकी अपनी अपनी सोच है, आप किस तरह का लेना चाहोगे। बॉडी चाहिए बॉडी भी मिल जाएंगी हमारे यहाँ, हर चीज अलग अलग मिल जाएगी। तो दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कोई सुझाव है तो कमेंट करो। ऐसी ही नई नई वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।